कोरोना वायरस यानी कोविड-19 है 11 महीने बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, जबकि 15,57,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस के चलते जान जा चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वायरल इन्फेक्शन बेहद खतरनाक है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे कई मृतक फैल रहे हैं जिनकी वजह से लोगों के बीच घबराहट बढ़ रही है। इनमें सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा कि कोरोना वायरस और फ्लू के बीच के फर्क को कैसे समझे। हालांकि कोरोना वायरस और फ्लू के लक्षण देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दो अलग वायरस के परिवार से आता है। कोविड-19 एक नोवल कोरोना वायरस है जिसके बारे में साल 2019 में पता चला, जो पहले कभी भी मनुष्यों में नहीं देखा गया था। वहीं इन्फ्लुएंजा वायरस यानी फ्लू के बारे में कई सालों पहले पता चल गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा और दूसरे ऐसे ही वायरस की तुलना में कई तेजी से फैलता है। कफ और कोल्ड के साथ तेज बुखार, बुरी तरह थकावट, पूरी शरीर में दर्द और ठंड लगना कॉमन फ्लू के लक्षण हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण और फ्लू के बीच अंतर को बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोरोना वायरस के कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो फ्लू में देखने को नहीं मिलते, जैसे सूंघने और स्वाद की शक्ति को खत्म करना, भ्रम की स्थिति, पैरों की उंगलियों का लाल पड़ना और सूजन, जिसे कोविड टोज भी कहा जाता है। आंखों में इन्फेक्शन जैसे लक्षण आम फ्लू में नहीं दिखते, इसके अलावा टेस्ट से पता चल जाता है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।